हे एवरी वन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गई सुबह की शुरुआत मैंने कर दी है, और सुबह की शुरुआत उठ के नहा के आई थी, आके मैंने जोत कर दी है, और अभी मैं रजनीशी को उठाती हूँ। तो आप भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। पूजा कर चुकी हूँ मैं, और पूजा करके और इधर हमारे गोलू दोनों देख लो सुबह सुबह उठ जाते हैं। क्या चाहिए क्या चाहिए, ये इसका कहने का तरीका ही है गाइस। हाँ, एक इधर देख लो सुबह सुबह इनके काम। चाहिए क्या क्या चाहिए दोनों को बताओ। ये रजनीश की चाय है गाइस, ले ली है मैंने, और उनको उठा देती हूँ साथ में चाय के लिए। सो गाइस, मेरे को ना सारे बार बार पूछ रहे हैं कि आपने वेट लॉस किया है तो कैसे किए हैं, कितने दिन हो रहे हैं, बता नहीं रहे। तो मैं बताती हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, ये है चिया सीड्स, और इनको मैं भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि कई बार मैं रात को भिगो के रख देती हूँ। आज मुझे याद नहीं रहा, तो ये मैं आधा घंटा पहले भिगोऊंगी। और ये मैं इतने एक लेती हूँ, ये चिया सीड्स हैं, इतने लिए और पानी में डाल के रख दिए। आधे घंटे बाद मैं इस पानी को चिया सीड्स पी लूँगी। ये है मेरी पहली मॉर्निंग की, पहली जो होती है वो टी बोल लो, कॉफ़ी बोल लो, जो भी है। तो इसको मैं अभी रख देती हूँ, क्योंकि ड्रिंक है, फर्स्ट ड्रिंक है मेरी ये, क्योंकि बार बार फील वो नहीं होता, इससे स्टमक जो है वो फील हो जाता है बड़े अच्छे से, और वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। वो रख देती हूँ, थोड़ी देर में पीऊँगी इसको। सो गाइज, रजनीश जी भी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। और वो अभी देख लो, शेफलू जो है वो रजनीश जी के पास आ गया, वो उनको तंग करने लगे, वो चाट के साफ कर देगा। सो गाइज, मैं बताती हूँ कि मैं चिया सीड्स भी खो के आई थी। आज मैंने ये सुबह की चाय जो है ये शायद दो हफ्तों के बाद पकड़ी है। मैंने सुबह की चाय बिल्कुल छोड़ दी है। साथ साथ में मैं आपको वेट लॉस का अपना बताती रहूँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह की चाय नहीं पी रही हूँ। सुबह की क्या, मैं चाय ही छोड़ चुकी हूँ, बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ चाय। तो आज मेरे बहुत दिनों बाद मन कर रहा था, तो कभी कभी बोलते हैं ना कि बीच बीच में चीट मिल रही जैसे होता है, ऐसे ही मैंने सोचा कि आज चाय पी लेती हूँ। चाय डे है ना, चीट मिल डे नहीं, चाय डे। तो आज मैं चाय पी रही हूँ। तो ये चीज़ जो है कि कभी कभी ले ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसे छोड़ रखी है मैंने। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट जो भी करूँगी आपको दिखाऊँगी, और साथ साथ में अपनी डाइट भी शेयर करती रहूँगी। सो गाइस, नक्कू का उठा दिया मैंने, वो अभी उठ गया, और अभी हम लोग जाते हैं जिम। मैं हो जाती हूँ रेडी, फिर जिम जाके वर्कआउट करते हैं। गाइस, हो चुकी हूँ जिम के लिए रेडी, और मैंने आज पहना है कुछ ऐसा सा आउटफिट। ये मेरे वो वाले कपड़े हैं जो बहुत साल पहले जिम वाले लिए थे, पर किसी रीज़न से मोटी हो गई थी, और फिर ये कपड़े आने बंद हो गए थे। अब दोबारा शुरू कर दिया मैंने इनको पहनना, और अभी पूरे आने लग गए। और इधर हमारा कोमल और नक्कू, गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग। और नक्कू को सोए हुए को उठाया है कि चल जिम चल मेरे साथ में, हो गया रेडी, आ जा तू भी चले लड़की। गाइज, हमारी कोमल बोल रही है कि पेपरों के बाद जाऊँगी जिम, अभी पेपर है। और इधर एक हमारे जनाब जी चले ना जिम। मैं सुबह जाया था 4 बजे से 6 बजे तक। कब? 4 से 6। चार से, जब सारी दुनिया सो रही थी और आप जिम कर रहे थे। अकेला करता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। आप तो जाते हो 8 बजे। ओहो, देख रहे हो, ये है मेरी मोटिवेशन, ये 4 बजे जिम जाके। झूठ भी सुबह सुबह बोलना अच्छा नहीं होता, कौवा काट जाता, कौवा काट जाता, झूठ बोलो तो क्या है। आई एम वेरी फिट, वेरी फिट, पेट निकला हुआ है, वेरी फिट है। कौन है फिट? मेरा बिल्कुल ओके है, वजन अपने आप ही कम हो जाता है, सेंसर लगा हुआ है। सेंसर लगा हुआ है, 84 किलो से ऊपर नहीं जाता, 75 किलो से नीचे नहीं जाता, बीच में जाता है। सो गाइस, मैं आपको वेट करके दिखाती हूँ। वैसे मेरे हाथ में फ़ोन है, ये वेइंग मशीन मैंने रखी हुई है। मेरा वेट है अब 76 kgs, मेरा था 81, देख लो गाइज विद फोन। मेरे पास इतना हैवी आधा किलो का फ़ोन भी है, सबसे बड़ी बात। फिर भी मेरा वेट ही आ रहा है, मेरा एग्जैक्ट दिखा करूँगी आपको। और मेरा वेट था पहले था 81 केजीज़,
देख लो गाइस इतना कम हो गया, अभी जाती हूँ। गाइस देख सकते हो ये वो वाले चिया सीड्स हैं जो मैंने एक चम्मच भिगोए थे और ये फूल चुके हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल फूल जाते हैं। आधा घंटा हो चुका है, अभी मैं इनको पी लेती हूँ और फिर इसके बाद वर्कआउट करूँगी। ऐसे कुछ कड़वा नहीं है पर कसैला है। गाइस चलिए भर लिए तूने चेकर, चलो। तो गाइस जिम जाने लगे और ये हमारा शेफ है जो साथ में जाने के लिए। बेटा इसको प्रेस तो कर दे तभी आएगी ना, बिना प्रेस करे आ जाएगी। देख सोया उठ के केला खा के और चल पड़ा जिम। गाइस हवा बहुत अच्छी चल रही है, बार बहुत अच्छी हवा चल रही है, तेज तेज चल रही है, यहाँ नीचे लोगी भोंक रहे हैं। तो भाई जिम में पहुंच चुके हैं हम। हाँ बेटा ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने जाके किया थोड़ा सा बॉडी की स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि जैसे आपकी बॉडी एकदम से वार्म नहीं हो पाती है ना, तो धीरे धीरे करके मैंने पहले आर्म्स को लेफ्ट राइट घुमाया, आर्म की स्ट्रेचिंग की। देन उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप वर्कआउट है ये, उसके बाद बाजू को इधर उधर नीचे ऊपर घुमाती रही। ये मेरा एक थोड़ा सा वो था कि नक्कू भी कर रहा था, साथ में मैं भी लगी थी। और जिम में आप देख सकते हो एक सिर्फ अंकल वर्कआउट कर रहे थे हमारे साथ और कोई भी नहीं था। तो ऐसे करके मैंने अपना स्ट्रेचिंग वाला जो सीज़न है वो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रेचिंग वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट वर्कआउट करने लग जाते हो जाते ही जिम में, तो ऐसा हो जाता है कि आपका मसल कोई ना कोई खींच जाता है और फिर उसके बाद दिक्कत होने लगती है, पेन होने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आप वार्म अप करें। तो मैं फटाफट से अपना वार्म अप कर लेती हूँ, आप भी देखो कैसे कैसे करना है। आप इस चीज़ों को घर पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जिम जा रहे हो तभी कर पाओगे। अगर आप घर पे हो तब भी आप वार्म अप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नीड होती है, इन्हीं से ही मतलब बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है। जैसे कि मैं कर रही हूँ, पहले मैंने वैसे किया, अभी ये फुल बॉडी था। जैसे कि मैंने जंपिंग जैक्स भी लगाती होती हूँ, साथ में थोड़ा सा साइड स्ट्रेच की मैंने, तो इससे पूरा वर्कआउट जो है मेरा पहले वार्म अप का वर्कआउट जो है वो कम्प्लीट हो गया। तो भाई सेकंड जो मैंने फर्स्ट अपना कार्डियो स्टार्ट किया वो थी साइकिलिंग। साइकिलिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी और फटाफट लगी हुई थी, बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद क्या था, आप स्वेट देखो मेरा एक बार साइकिलिंग से ही आ गया। फिर मैंने बीच बीच में पानी पिया, थोड़ा थोड़ा पानी बहुत ज़रूरी होता है। और तो भी बारी आ गई थी हमारी ट्रेडमिल की, ट्रेडमिल पर चढ़ गई हूँ मैं और अब मैंने शुरू करना है हार्ड वाला वर्कआउट। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। सो गाइस ट्रेडमिल करने के बाद आप मेरी लुक देखिए एक बार, मुंह लाल हो गया मेरा, इतना पसीना आ रहा था और नक्कू भी अपना लगा हुआ था बड़े अच्छे से। नक्कू आज लगा रहा है बाइसेप्स की वर्कआउट, बाइसेप्स कर रहा है वो अपने, अच्छे डोले शोले बना रहा है लड़का। और उसके बाद फिर मैंने किया स्टार्ट अपना, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट। इसमें मैं आज बैक लगा रही हूँ, लेट पुल डाउन कर रही हूँ मैं इसमें, और इसमें भी बहुत जोर आ रहा था और ऐसे बॉडी पूरी जो है मेरी गिली हुई पड़ी थी। देन माँ बेटे ने बहुत सारा वर्कआउट करने के बाद हमने कंप्लीट किया हमारा वर्कआउट सेशन। सो गाइस वर्कआउट करके मैं और नक्कू आ गए हैं वापस, घर जा रहे हैं और हालत खस्ता है, बहुत बुरी हालत है। आप सब लोग पूछ रहे हो उन्होंने कैसे किया वेट लॉस, ये है मेरा हाल। इतना वर्कआउट मैंने मतलब अराउंड 700-800 कैलोरीज बर्न की है जो मुझे पता है, बाकी एक्स्ट्रा की तो पता नहीं, इससे कम तो नहीं की। और पूरा मेरी बॉडी जो है स्वेट से नुचड़ी पड़ी है, नुचड़ी क्या कहते हैं लड़के, पूरे पसीने से पल जाते हो। और हमारा नक्कू वेट गेन कर रहा है, मैं कर रही हूँ लूज। तूने तो 2 ही किलो गेन किया है अभी तो, स्टार्ट किया गेन, अभी तो स्टार्ट किया गेन करना। ये लड़का बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता था तो इस तब करके पतला, मैं इसको साथ में करवाती हूँ, कम करवाती हूँ वर्कआउट, मतलब कम वेट के साथ अब गेन कर रहे हैं। और ये वो देख लो, बस घर आते ही तुम्हारा पहले वेलकम शुरू हो जाता है, कहीं बाहर से आई हूँ मैं। आए हाँ क्या, मैं अभी अंदर जाने दो भाई, थकी पड़ी हूँ मैं, बहुत बुरा हाल है मेरा, जो तभी भी चल रही है। और इधर हमारे जनाब जी उठे नहीं होंगे अभी तक, देख लो गाइस मैं वर्कआउट भी कराई और ये बंदा यहीं छोड़ के गई थी और यहीं बैठा है।
नीचे नट लगे हो, खुली नहीं रहे, खुले नहीं रहे नट लगे हुए। मेरा हाल देख लो, मरने वाली हो रही है। सही है क्या? सही है, फिट एंड फाइन नहीं हो, बहुत बुरे हाल में। सुबह अभी मैं थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ, रेस्ट करती हूँ, शावर शुवर लेती हूँ, खाती हूँ, कुछ पीती हूँ, जो खाऊंगी पीऊंगी वो अभी दिखाऊंगी। सुनते हैं ब्रेक के बाद। मैंगो से बोलते मैं शावर लेके आ चुकी हूँ और मैंने पहनी है आज कुछ ऐसी सी ड्रेस, देख सकते हो। और इधर हमारा नक्कू कर रहा है ब्रेकफास्ट, साथ में डोलू को भी करा रहा है, देख ली, एक साथ बैठे हुए लगे हुए हैं। इधर जनाब जी भी खाना खा रहे हैं और हमारी कोमल जो है वो पढ़ रही है। कोमल भी फोकस करेगा, पूरा पेपर 100% लेके आने हैं कोमल। मैं अभी गाइस मैं आपको बताती हूँ अभी मैं क्या पी रही हूँ। शेक, एक गिलास मैं शेक पीऊँगी सुबह से, मेरा ब्रेकफास्ट यही है, मैंगो शेक विदाउट शुगर। तुम्हारे मजे हैं? मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ। हाँ खा रहे हो, परौंठा खा रहे हो? परौंठा तो भी बोला है, नहीं सब्जी नहीं है ना, सूखी होगी ना। अच्छा सूखी होगी, सब्जी चटनी कुछ नहीं, चार रोटी है। ऐसे लोग होते हैं गाइस, कुछ भी खा लें इनका वेट नहीं बढ़ता। जो भी परांठा परौंठा गोलगप्पे दही बल्ले चाप पापड़ी टिक्की सब बचता है इनको। हमारी कोमल भी कम खाती गई थी, इसको लगता है मेरा भी वेट बढ़ रहा है। सो गाइस मैंने पहन लिया दूसरी ड्रेस, मैं भी पहन पहन के चेक कर रही हूँ आने लगी है कि नहीं। मैंने पहन लिया शर्ट और पैंट, देख लो बीच में बोल के चले जाते हैं। तो ये क्या था कि ये जो मेरी ड्रेस थी ना, ये 1.5 साल पहले तो आती थी, बीच में जब मैं ज्यादा मोटी होगी तो ये आनी बंद हो गई थी। तो आज मैंने दोबारा पहन के देखी है, अब तो सही है, अब तो आने लगी। पिछली बार पहन के देखी थी तो फंस गई थी, आई नहीं थी, तो आज मैंने पहन के देखी तो आने लगी है। गाइस अभी बहुत कम करना है, बहुत ज्यादा ही कम करना है कुछ। सो गाइस जब मैं जिम गई थी तो मेरा वेट था 76.5, मतलब 76 kg 500 g, और अब है 75.45। तो ऐसा होता है गाइस कि जब वर्कआउट करके आते हो तो अच्छे से, मतलब अगर आप वर्कआउट करते हो तो फर्क पड़ता है। तो मैंने मतलब अभी आपको लाइव दिखाया जब मैं गई थी तब का वेट कितना था और अब कितना है, ऐसे वेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। इसको मैंने लेके आना है, बहुत कम लेके आना है, कम से कम अभी 10 kgs और कम करना है, 10 to 12 kgs। फिर वो भी आप तक शेयर करूँगी, जाकर बताती हूँ मैंने क्या क्या कैसे कैसे डाइट ली थी, वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। अभी जा रहे हैं सलोन, होंगी रेडी, बिल्कुल लेट्स गो।